हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसकी सेकंड स्टोरी करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। हम पहली स्टोरी ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में लेखिका अब एक दूसरे गरीब लड़के के बारे में बताती है जिसका नाम है मुकेश। उसका जो परिवार है वो चूड़ियों बनाने के कारखाने में काम करता है। फिरोजाबाद जो जगह है वहाँ की गलियों में रहते हैं। यह कस्बा जो फिरोजाबाद का कस्बा है वो अपनी चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है काफी। ये हमारे भारत के, हमारे जो इंडिया का जो ग्लास इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ का वो मेन सेंटर है फिरोजाबाद। इसलिए वहाँ पर चूड़ियां जो वहाँ की है वो काफी फेमस होती है और चूड़ियां बनाने की काफी इंडस्ट्रीज वहाँ पर है। जो मुकेश का परिवार है वो भी काफी पीढ़ियों से, काफी समय से, तो मतलब उनके जो पूर्वज है वो भी चूड़ियां बनाने का काम ही कर रहे हैं। लेकिन जो मुकेश है, जो अब नई पीढ़ी का एक बच्चा है, उनकी आंखों में सपने हैं। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो कहता है कि वो कार चलाना चाहता है और कार सीखना चाहता है। अनीस जंग यानी जो हमारी लेखिका है, इसमें राइटर है, वो आगे कहती है कि फिरोजाबाद की जो चूड़ियां बनाने वाले कारखाने हैं उसमें 20,000 से अधिक बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। और वो ये नहीं जानते बच्चों को इन इंडस्ट्री में काम कराना गैर कानूनी है, इलीगल है। वे बच्चे वहां पर बिना अच्छी हवा, क्योंकि वो काफी बंद बंसी होती है और अंधेरे कमरों में काम करते हैं, इसी कारण उनकी जो आंखें हैं वो जल्दी ही खराब हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। लेखिका आगे बताती है कि वो मुकेश के जब घर जाती हैं, मुकेश के घर के बारे में बताते हैं और बोलती हैं कि जब वो मुकेश के घर घुसती हैं तो वो देखते हैं कि तो आधा अधूरा बना हुआ एक झोपड़ी टाइप घर है और इसमें एक लकड़ी का जलने वाला चूल्हा है, वहीं पर खाना पकता है। एक दुबली पतली सी जो महिला है वो परिवार के लिए शाम का भोजन तैयार कर देती है। जो लड़की है, जो दुबली पतली सी है, वो मुकेश की भाई की पत्नी है और जो मुकेश के पिता है वो काफी गरीब चूड़ी बनाने वाले ही हैं और वो बहुत सालों से चूड़ियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने घर की मरम्मत नहीं करा सके। मतलब वो इतने सालों से चूड़ियों बनाने का काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनके पास कभी इतना पैसा नहीं हुआ कि वो घर की मरम्मत करवा सके और ना ही अपने दो बेटों को स्कूल भेज पाए। उन्होंने बस किया तो ये किया कि उन्होंने अपने बच्चों को जो उन्हें आता था यानी चूड़ी बनाना वो सिखा पाए उन्हें बस, और कुछ अपने बेटों को ज्यादा नहीं दे पाए वो। मुकेश के जो दादाजी हैं कांच की इंडस्ट्री में काम करते थे, वहां उनका पॉलिशिंग का काम था और एक बार उनके आंख में कुछ धूल चले गई उसके कारण वो अंधे हो गए थे। आगे अनीस जंग हमें बताती हैं कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं ये इस काम में काफी दर्द सहते हैं, लेकिन वो तब भी इस काम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनको और कुछ काम आता ही नहीं है। वो बस अपने घर पे बैठे रहते हैं, बच्चे भी, माँ बाप भी, और साथ में चूड़ी बनाने का काम करते हैं। अब लेखिका आगे एक छोटी लड़की के बारे में बताते हैं जो बूढ़ी औरत के बगल में बैठी होती है और चूड़ी को बनाने का थोड़ा सा काम कर रही होती है और वो उस काम को इतनी सफाई से कर रही होती है जैसे उसके हाथ ऐसे हिल रहे होते हैं जैसे कि कोई मशीन हो बिल्कुल परफेक्टली। और वो उसको देख के हैरान होती है कि इस लड़की को क्या उस चूड़िया का, जो चूड़िया बना रही है, उनकी महत्व पता है कि वो कितने पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है उन चूड़ियों को और वो शादी में शुभ मानी जाती है। अब आगे लेखिका इन जनरल बोलती है कि जो ये गरीब लोग हैं ये अब और कुछ काम नहीं कर सकते सिर्फ चूड़े बनाने के अलावा, क्योंकि इनको और कुछ काम आता ही नहीं है और साथ में इन्होंने इतने साल से जो मेहनत करी है, इनके दिमाग के जो सारे सपने हैं या फिर कुछ करने की चाह, रुचि, मोटिवेशन सब खत्म हो गया है, अब ये बिल्कुल मंद हो गए हैं। इसलिए वो काफ़ी खुश हुई थी जब उन्होंने देखा था कि इसी परिवार का एक लड़का जो है मुकेश, वो कुछ अलग करने की चाह तो रखता है, कम से कम उसके अंदर कोई ड्रीम तो है। अनीस जंग कहती है कि तुम सारे लोग आपस में एक ग्रुप क्यों नहीं बना रहे थे, तुम एक ग्रुप बना के बेचो तो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तुम एज अ होलसेलर बेच पाओगे, तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो उनको उनसे रिप्लाई मिलता है, उनसे जवाब मिलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करें तो शायद हमें पुलिस आएगी, हमें मारेगी और हमें जेल में डाल देगी कि हम कुछ गैरकानूनी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को इतनी समझ तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं कि कानून क्या होता है, और इस कारण से ये लोग जो लोग हैं ये हमेशा गरीबी लग जाते हैं। अब अनीस जंग आगे बताते कि उन्हें मुकेश की आंखों में जब वो आशा देखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेखिका ने एक बार मुकेश से ये भी पूछा था कि क्या वो हवाई जहाज भी चलाना चाहता है, तब वो मुकेश उसे कहता है नहीं, मैं सिर्फ कार ही चलाना चाहता हूँ और वो अपने कार चलाने के सपने से ही संतुष्ट है। तो बस यही था सेकेंड पार्ट की छोटी